एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फार्मा। मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज हम बात करेंगे बेस्ट डाइट प्लान फॉर वेजिटेरियंस टू लूज वेट। सो वेजिटेरियंस के लिए ये डाइट जो है वो बेस्ट रहने वाली है न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से। ऑटोमेटिकली विदाउट काउंटिंग एनी कैलोरीज आप आराम से मैनेज कर सकते हैं अपनी डाइट को, कीपिंग ऑल द पॉइंट्स जो आज हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट। सो बैलेंस डाइट की बात करें तो हमारे जो फूड ग्रुप है उसमें पांच ग्रुप है, यानी फूड्स जो है वो पांच ग्रुप में डिवाइडेड है। वेजिटेबल्स, जो वेजिटेरियंस आसानी से अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। फ्रूट्स, वो भी इजिली वो लोग खा सकते हैं। देन ग्रेन्स, चावल है, गेहूं है, कीनवा है, रागी है, जितने मिलेट्स आते हैं, मोटा अनाज जिसे कहते हैं। उसके बाद है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में जितनी भी चीजें, पनीर है, डेयरी मिल्क है हमारे पास, चीज है। एंड लास्ट इज प्रोटीन। नाउ फॉर वेजिटेरियंस यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि वेजिटेरियन जितने भी सोर्स हैं, मोस्टली जो सोर्स हैं ऑफ प्रोटीन आर इनकम्प्लीट। जितने भी एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, चाहे वो एग्स हैं या फिर लीन मीट है या रेड मीट है, वो कम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। डेयरी जो है एनिमल से आती है, उसके अंदर भी कम्प्लीट प्रोटीन होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि काफी ऐसे वेजिटेरियंस हैं जो डेयरी को भी अवॉइड करते हैं। मे बी दे हैव कन्वर्टेड इनटू वीगन, यानी वो किसी भी तरह की एनिमल प्रोड्यूस को अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करते, या फिर दे आर एलर्जिक टू इट, या फिर उन्हें डाइजेस्ट करने में उसे दिक्कत होती है, क्योंकि दूध का डाइजेशन भी काफी हैवी होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। मिल्क पर आपको पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, उस पर एक सेपरेट वीडियो मैं बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो कमिंग बैक टू वेजिटेरियन डाइट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, यानी कार्ब्स, प्रोटीन, फैट में क्या क्या खाएं कि आपका वेट लॉस हो। और उसके बाद हम बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, यानी जितने भी विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं। तो अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें, तो अगर आप होल ग्रेन्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं, तो आपका कार्ब का सेक्शन वहां से पूरा हो जाता है। एंड आइडियली 50% जो आपकी डाइट है वो कार्ब्स से आनी चाहिए। कार्ब्स का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ह्यूमन बॉडी में, चाहे वो सेल रिपेयर के ऊपर हो या फिर आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के ऊपर हो, बी ग्रुप के विटामिन या दूसरे विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में हो। फिर बात आती है फैट की, तो फैट के भी बहुत अच्छे वेजिटेरियन सोर्स हैं, जैसे कि नट्स एंड सीड्स हैं, चिया सीड्स आर वेरी हाई इन ओमेगा 3, फ्लैक्स सीड्स हैं, तो यहाँ से आपको वो मिल सकता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज प्रोटीन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मसल्स के लिए, आपके वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, वो यहाँ पर कैसे पूरा हो इन अ वेजिटेरियन डाइट। प्रोटीन जो है वो बना होता है अमाइनो एसिड से, और 9 ऐसे असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमें अपनी डाइट से चाहिए, जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन मोस्टली हमारी बॉडी बना सकती है। सिर्फ 9 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो हमें अपनी डाइट से ही चाहिए। सो कैसे हमें ये मिले, चलिए देखते हैं कैसे आपको ये 9 के 9 अमाइनो एसिड्स, यानी कंप्लीट प्रोटीन मिल सकता है और आपकी डाइट जो है वो बहुत ज्यादा बैलेंस और बहुत ज्यादा हेल्दी हो सकती है। सो आप देखेंगे ये जितने भी रेड मार्क हैं, इनका मतलब है कि ये वाले अमाइनो एसिड्स मिसिंग है इनके अंदर। ग्रीन मतलब काफी स्ट्रांग है और येलो मतलब प्रेजेंट है, लेकिन इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। ऐसे में आप देखेंगे कि ग्रेन के अंदर मिथोनाइन जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन इसके अलावा वो सीड्स को छोड़कर किसी के अंदर नहीं है, और सीड्स हम अपनी हर मील में ऐड नहीं करते हैं। इसीलिए इस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए ग्रेन आपको अपनी मील के अंदर, अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ट्राइप्टोफन होता है और फिनोलेलाइन होता है, जो बहुत ज़रूरी है, जो स्ट्रॉन्ग होता है इसके अंदर। सो आप होल ग्रेन्स इंक्लूड करें इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर वेट लॉस। अगर बात करें लेंटिल्स एंड लिग्यूम्स की, यानी दालें हैं, छोले हैं, चने हैं, तो उसके अंदर आपको स्ट्रॉन्ग जो मिलेगा अमाइनो एसिड्स जो बाकी चीज़ों में मिसिंग है। आपको क्यों दाल इंक्लूड करनी चाहिए? लाइसिन एक अमाइनो एसिड है जो किसी में आपको नहीं मिलेगा। इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन योर दाल, योर राजमा, या चने, जो भी आप लिग्यूम्स खाते हैं, या फिर सोया। तो आपको इसे अपनी मील के अंदर और डाइट के अंदर इंक्लूड करना ज़रूरी है। वही बात करें अगर वेजिटेबल्स की, तो वेजिटेबल्स में
भी ट्राइप्टोफन और वेलिन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो अपनी मील के अंदर आप वेजिटेबल्स को भी इंक्लूड करें। वेजिटेबल्स आर ऑल्सो हाई इन विटामिन्स एंड मिनरल्स और आपको फाइबर मिलता है। नाउ नट्स एंड सीड्स में स्पेशली सीड्स का प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप देख सकते हैं, चाहे वो चिया सीड्स हों, पम्पकिन सीड्स हों, हैम्प सीड्स हों। लेकिन आप हर मील में इन्हें ऐड ना करना चाहें तो इट्स ओके, आप इनको एक दिन में कभी भी खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक दिन में खाना है कभी भी, तो आप अपने स्नैक्स में रखें नट्स एंड सीड्स को। तो ये तो बात हुई मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। तो कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो वेजिटेरियंस और वीगन के डाइट में कम होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम की। तो जितने भी वेजिटेरियन सोर्स हैं ऑफ कैल्शियम, उनकी बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वो कम होती है। सो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दैट दे शुड आल्सो गेट इनफ विटामिन डी। अगर आप सन में ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको विटामिन डी वहां से मिलेगा। कैल्शियम की बात करें तो आप रागी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, सेसमे सीड्स काफी स्ट्रांग होते हैं। इसके अलावा प्लांट मिल्क है, सोया है, लेंटिल्स हैं, राजमा है, नट्स एंड सीड्स हैं, ड्राई फिग्स यानी अंजीर जो होते हैं, चना और ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें आप अपने डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं फॉर कैल्शियम। इसके अलावा क्यूमिन, जीरा जो है वो बहुत अच्छा होता है कैल्शियम के लिए। सो ये सारी चीजें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आयरन। आयरन जो है वो भी वेजिटेरियन सोर्सेज में होता है, भरपूर मात्रा में होता है, लेकिन उसका बॉडी में अब्सॉर्प्शन जो है वो कम होता है। नाउ आयरन स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आप रागी इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके अलावा गार्डन क्रेस जिसे हलीम कहते हैं, वो सीड्स बहुत अच्छे हैं, लेंटिल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें, जो मूंग दाल होती है, जो ग्रीन सुपर फूड पाउडर्स होते हैं, ड्राइड किशमिश होती हैं, अगेन गुड़ चना, ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्दी रहेंगी। लेकिन आपको एक सिट्रस चीज़, विटामिन सी में रिच चीज अपनी मील के अंदर इंक्लूड करनी है जब भी आप खाना खाने बैठे, यानी अगर आप दाल चावल खा रहे हैं उसके ऊपर आप थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे, या फिर अगर आप अपना कोई स्नैक ले रहे हैं उसमें ऑरेंज ले लेंगे तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा, उससे आपके आयरन का अब्सॉर्प्शन बढ़ेगा। सो उसके लिए अगर आप अपनी डाइट में कुछ भी सिट्रस चीजें ऐड करेंगे, विटामिन सी का कोई सोर्स ऐड करेंगे तो उसका अब्सॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि अपनी मील के साथ आप कुछ ऐसे चीजों को अवॉइड करें जिससे अब्सॉर्प्शन ब्लॉक होता है, जैसे कि चाय। अगर चाय के साथ अपना खाना आप खाते हैं या फिर खाने के इमीडिएटली बाद आप ग्रीन टी या नॉर्मल जो ब्लैक टी होती है या दूध वाली चाय होती है वो लेते हैं, तो उससे कैल्शियम आयरन का अब्सॉर्प्शन जो है वो कम हो सकता है। उसके अंदर टैनिन होते हैं चाय के अंदर, जो उसके अब्सॉर्प्शन को कम कर सकते हैं। सो ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा B12 विटामिन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली आपके कॉग्निटिव फंक्शन के लिए, आपके ब्रेन के लिए। फॉर दैट यू कैन इंक्लूड न्यूट्रिशनल ईस्ट इन योर डाइट। आप न्यूरी ऐड कर सकते हैं, शिताके मशरूम, कुछ चीजें यहाँ पर इजीली अवेलेबल नहीं है। एनी वे न्यूट्रिशनल ईस्ट जो है वो काफी महंगा मिलता है। सो इफ यूर ए वेजिटेरियन आप अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स भी ऐड करें। प्रोबायोटिक्स जितना भी फर्मेंटेड फूड होता है, इससे आपके खाने की अब्सॉर्प्शन अच्छा होता है, आपका गट हेल्दी रहता है। और जितना हो सके दोनों तरह का फाइबर लें अपनी डाइट में। आप सॉल्युबल फाइबर लें ताकि वो आपके खाने के साथ मिक्स हो जाए, जेल का फॉर्म ले, इजी हो उसका डाइजेशन और साथ ही न्यूट्रिशनल अब्सॉर्प्शन बढ़े। खाने को साथ जब वो जाता है तो आपके इंटेस्टाइन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप अगर इनसॉल्युबल फाइबर खाएंगे तो वो आपके खाने के साथ मिक्स नहीं होता है, लेकिन आपको स्टूल पास करने में, बाउल मूवमेंट में बहुत हेल्प करता है, तो कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। हमारी वेजिटेरियंस की डाइट ओमेगा 3 में काफ़ी कम है, बहुत डिसबैलेंस है, ओमेगा 6 और 9 में हाई है, क्योंकि जितने भी ये वेजिटेबल ऑयल्स आते हैं मार्केट में उनमें ओमेगा 3 मिसिंग होता है। ऐसे में चिया सीड्स और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ्लैक्स सीड्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, आप हैम्प सीड्स को इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। और ओमेगा 3 आपके ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है, डिप्रेशन से प्रिवेंट करता है और वेट लॉस में भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है जो आपको हेल्प करता है वेट लॉस में। इसके अलावा जिंक है, जिंक भी सेम, जिंक जो है एनिमल प्रोडक्ट्स में उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। ऐसे में आप जब भी होल ग्रेन, जितनी भी लेंटिल्स,
लेग्यूम्स को खाएं, उन्हें पानी में सोक करें। फाइटिक एसिड जो होता है होल ग्रेन के अंदर, वो उनकी बायो अवेलेबिलिटी को, उनके एब्जॉर्प्शन को रोकता है। इसीलिए जरूरी है कि या तो आप अपने होल ग्रेन्स को, या फिर दालों को, या राजमा छोलों को, या काले चने को आप स्प्राउट करके खाएं, तब आपको उसके न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह मिलेंगे। या फिर आप उनको सोक करके खाएं, या फिर उनको फर्मेंट करके खाएं। तो ये तीन चार जो तरीके हैं, उससे आपका जो अब्सॉर्प्शन है ये सारे फूड का, वो आपकी डाइट में बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें थी, एक परफेक्ट डाइट है वेजिटेरियन की। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये सारी चीजें आपको अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करने की जरूरत है। अगर आपको कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिलेगा, यू विल फील टायर्ड, आपको मसल बिल्डिंग में प्रॉब्लम होगी। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको मसल लॉस ज्यादा होगा मसल बनने की बजाय। सो कंप्लीट प्रोटीन आपको डाइट में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा बाकी जो न्यूट्रिएंट्स जिनके बारे में मैंने बात की, अगर आप डेफिसिट है तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, आपकी बोन्स वीक हो सकती है, कैल्शियम की कमी है, तो आयरन की कमी है, तो आप लो ऑन एनर्जी रहेंगे, तो उसे बूस्ट करना बहुत जरूरी है। और ये सारे तरीके इस तरह से अगर आप अपने खाने को खाएंगे तो वो विटामिंस एंड मिनरल्स बूस्ट होंगे आपकी डाइट में, आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, एक हेल्दी लाइफ आप जीने में सक्सेसफुल रहेंगे, और साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आप वेट लॉस करने में भी सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि अगर आप इन सारे विटामिन एंड मिनरल्स में डेफिसिट है तो वेट लॉस आपके लिए करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर, स्टे विद मी, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, एंड आई विल बी बैक वेरी सून, बाय बाय।